नमस्कार, मैं हूँ खुशबू और आप देख रहे हैं द न्यूज गैरेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग वैक्सीन के बारे में। पहले हम बात करेंगे कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है और इसके उत्पादन के लिए भारत में इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। ये एक तरह का सौदा है जिसमें प्रति वैक्सीन की आधी कीमत ऑक्सफोर्ड के पास जाती है। कोविशील्ड दुनिया की सबसे लोकप्रिय वैक्सीन में से एक है क्योंकि इसे कई दुनिया इस्तेमाल कर रही है। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ सबसे असरदारक और प्रभावित है। कोविशील्ड एक वेक्टर वेरिएंट टाइप की वैक्सीन है। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है जो कि चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडिनो वायरस CHAD0X1 से बनी है। ये वही वायरस है जो कि चिंपैंजी में होने वाले जुकाम का कारण बनती है, लेकिन इस वैक्सीन की जेनेटिक संरचना कोविड के वायरस से मिलती है, इसीलिए एडिनो वायरस का उपयोग करके शरीर में एंटीबॉडी बनाने में यह वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम को प्रेरित करती है। कोविशील्ड को WHO ने भी मंजूरी दी है। इसकी इफेक्टिव रेट की बात करें तो यह 70% है। यह वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षण से बचाती है और संक्रमित व्यक्ति को जल्दी ठीक करती है। यह व्यक्ति को वेंटिलेटर पर जाने से भी बचाती है। इसके रखरखाव रखना बेहद आसान है क्योंकि यह लगभग 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर कहीं भी ले जाई जा सकती है। इसीलिए इसके उपयोग में लाने के बाद बची हुई वैक्सीन की वायरल को फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। तो कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। इसे वैक्सीन को सबसे पुराने अर्थात पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब है कि डेड वायरस को शरीर में डाल दिया जाता है जिससे एंटीबॉडी पैदा होते हैं और फिर ये एंटीबॉडी वायरस को मारते हैं। यह वैक्सीन लोगों को संक्रमित करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वायरस बनाने के बाद फाइन बैलेंस का काम करती है ताकि वायरस शरीर में एक्टिव ना हो सके। यह इनएक्टिवेट वायरस शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम को असली वायरस पहचानने के लिए तैयार करती है और संक्रमित होने के बाद उससे लड़ता है और उसके ख़त्म करने की कोशिश करता है। इस वैक्सीन से कोरोना वायरस को खतरा है, इंसानों को नहीं। कोवैक्सीन की इफेक्टिव रेट की बात करें तो यह 78% है। एक शोध में ये भी बताया गया है कि यह वैक्सीन घातक संक्रमण और मृत्यु दर के जोखिम को 100% तक कम कर सकती है। हाल ही में हुए एक शोध में यह दावा किया गया कि वैक्सीन कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। अब आते हैं सबसे अंत में और बात करते हैं स्पुतनिक वैक्सीन की। तो इसे मॉस्को के गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है जिसे भारत के डॉक्टर रेड्डी लैब में बनाया जाएगा। इसे भी 2 से 8 डिग्री के तापमान में स्टोर किया जा सकता है। स्पुतनिक भी एक वायरल वेक्टर है, लेकिन इसमें और बाकी वैक्सीन में एक बड़ा फर्क यही है कि बाकी वैक्सीन को एक वायरस से बनाया गया है जबकि इसमें 2 वायरस का इस्तेमाल किया गया है। इसके दोनों डोज भी अलग अलग होते हैं। स्पुतनिक को भारत में ही नहीं बल्कि हर जगह में प्रभावित माना गया है। ये भारत में सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है। इसकी इफेक्टिव रेट की बात करें तो 91.6% है। ऐसे में इसे सबसे अधिक प्रभावी वैक्सीन कहा जाता है। यह सर्दी, जुकाम और अन्य रोग पैदा करने वाले एडिनोवायरस 26 और एडिनोवायरस 5 अर्थात 2 अलग अलग प्रकार के वायरस पर आधारित है। यह कोरोना वायरस में पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन की नकल करती है जो शरीर में सबसे पहले हमला करते हैं। वायरस शरीर में पहुंचते ही इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय हो जाता है जो शरीर में एंटीबॉडी पैदा करते हैं और ये एंटीबॉडी शरीर को कोरोना वायरस से बचाता है।